प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बारिश के शुरुआत में ही मनपा प्रशासन की पोल खुल गई है। बारिश के दौरान ठाणे की सड़कों पर पानी भर गया है। तस्वीरें ठाणे ही इलाके की है जहां बारिश का पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों तक जोरदार मूसलाधार बारिश होगी ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था। वहीं ठाणे के वंदना डिपो के पास घुटनों तक पानी भर गया था और यात्रियों को अपनी गाड़ी इन्हीं पानी से होकर निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि भले ही ठाणे महानगर पालिका का बजट 500 करोड़ हो चुका हो, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी शुरुआती बरसात में घुटनों तक पानी वंदना डिपो के पास भर गया है। हर साल लाखों का नुकसान होता है, लेकिन ठाणे महानगर पालिका की तरफ से यहां पर कोई उपाय योजना नहीं किया जाता है, जिसके चलते दुकान के अंदर भी पानी भर जाता है और दुकानदारों को काफ़ी नुकसान होता है। अच्छे से किया ना, किया है, कचरा निकाला है, साफ सफाई तो अभी एकदम क्लियर करते हैं, लेकिन पानी क्यों भरते हैं इधर वही समझ में नहीं आता हमको। वो तो वो PMC वाला देखना चाहिए ना क्यों भर रहा है, किधर किधर प्रॉब्लम है। वो तो देखते हैं, हर साल तो भरते ही है पानी, हर महीने में तो होता है ना, एक डेढ़ लाख का होता होता ही है नुकसान हमारे महानगर पालिका का। जाना चाहिए ना, करना चाहिए, करता नहीं ना। आप लोग कोई आते हैं चले जाते हैं, मतलब वो जो साफ सफाई तो क्लियर किया ये साल में, पिछले साल में भी किया, फिर भी पानी भरता ही है। क्यों भरता है, किधर से भरते हैं, अपने को भी मानना है किधर अटकते हैं पानी, किधर वो करना चाहिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा अच्छी तरह करेंगे तो अच्छा हो जाएगा।